डॉक्टर जी, बुढ़ापा में सेक्स में भाग लेने से तबीयत बिगड़ेगी, यह नष्ट पुरुषों को होता है, महिलाओं को होता है? एक बात समझना, सेक्स हमेशा के लिए, अच्छी तबीयत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग हर रोज सेक्स में भाग लेते हैं उनको तबीयत बहुत अच्छी लगेगी। सेक्स में भागने से किसी प्रकार का नुकसान किसी को भी नहीं होगा, और वह पुरुष हो या औरत हो, कोई भी हो, दोनों को सेक्स में भाग लेने से तबीयत अच्छी रहेगी, किसी प्रकार का नुकसान नष्ट नहीं होता है। सेक्स में भाग लेने से फील गुड हार्मोन्स, ये हार्मोन्स उनमें इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ये हार्मोन उनको तबीयत को ठीक करते हैं, ये हार्मोन उनको बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए वो यंग एज हो, मिडिल एज हो, बुढ़ापे हो, कोई भी हो, वो तो सेक्स में भागने से बहुत सुख मिलेगा और तबीयत अच्छी रहेगी। बुढ़ापे में सेक्स में भाग लेने से किसी को भी किसी प्रकार के नष्ट नहीं होगा, किसी भी औरत को भी नहीं होगा, पुरुष को भी नहीं होगा। इसे समझिए, कुछ लोग समझते हैं बुढ़ापे में सेक्स में भाग लेने से उनकी तबीयत बिगड़ेगी, जल्दी डेथ आएगी, ऐसा समझते हैं। ये ठीक बात नहीं, वो गलत धारणा है, गलत भावना है। बुढ़ापे में भी सेक्स में भाग लेने से उनके तबीयत बहुत अच्छी रहेगी, तबीयत बिगड़ेगी नहीं। लेकिन ऐसे समझे बुढ़ापे में, बुढ़ापा आने के बाद सेक्स से दूर रहना, ऐसे समझते हैं। नो, बुढ़ापा आने के बाद उनमें सेक्स में भाग लेने की इच्छा होती तो जरूर सेक्स में भाग लेना। से आए 80 ईयर्स आने दो, 90 ईयर्स आने दो, सेक्स में भाग लेने की स्टैमिना हो तो सेक्स में भाग लेना, उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं। बुढ़ापे में सेक्स में भाग लेने से तबीयत ठीक बनेगी, जब कभी भी खराब नहीं होगी, किसी प्रकार का नष्ट नहीं होगा। बुढ़ापे में औरत या पुरुष दोनों सेक्स में भाग लेना है, तबीयत को ठीक रखना है। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित, डॉक्टर समरम सेक्स एजुकेशन चैनल, डॉक्टर समरम यौन शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Channels app from Google Play Store and watch your favorite channels. Click the bell icon and subscribe to the channels.